दाए मोहम्मद सलामत रहे, कृष्ण सरवर मनाना बड़ी बात है। या खुदा ये मोहम्मद सलामत रहे, सरवर मनाना बड़ी बात है। उनकी महफिल सजाते हैं अहले जन्ना, उनकी महफिल सजाते हैं हूरों मलक, उनकी महफिल सजाते हैं हूरों मलक, उनकी महफिल सजाना बड़ी बात है। उनकी महफिल सजाते है अहले जना, उनकी महफिल सजाना। क्या है ये जबान? ये जबान अगर हुजूर के नाम पे नहीं बोल सकती है तो मैं समझता हूँ कि ऐसी जबान का मुंह में रहने का कोई फायदा नहीं। बहुत सारे लोग खामोशी के साथ बैठते हैं, सोचते हैं शायर आएगा मैं तो नहीं बोलने वाला। पढ़ते दोस्तों, आपको सही बताओ, अल्लाह की तरफ से उसे तौफीक नहीं होती है कि वो हुजूर के नाम पे बोल सके। अब जिसे तौफीक है वो बोलेगा। उनकी महफिल सजाना बड़ी बात है, उनकी महफिल सजाना बड़ी बात है, सबको कहना है उनकी महफिल सजाना। अल्लाह सलामत रखे और सबको तौफीक दे के वो हुजूर के नाम पे साथ मिलके पढ़े उनकी महफिल सजाना। महफिल सजाते है अहले जना, उनकी महफिल सजाना बड़ी बात है। सजाते शेर देखिए और खुश हो जाइए कि आज आप इस जलसे में आए। सुनिए आरज़ू देखिए इस गुनाहगार की, आरज़ू देखिए इस गुनाहगार की, मैंने महफिल सजाई है सरकार के, आरज़ू देखिए इस गुनाहगार के, मैंने महफिल सजाई है सरकार के, महफिल सजाना है अच्छा मगर मेरा, महफिल सजाना है अच्छा मगर, उनका तशरीफ लाना बड़ी बात है। मेरा नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम गुलाम नूरे मुजस्सम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, मेरा महफिल सजाना है अच्छा मगर, मेरा महफिल सजाना है अच्छा मगर, उनका तशरीफ लाना। क्या है ये देखिए, अल्लाह इस बच्चे को सलामत रखे और इसके वालिदैन को सलामत रखे। ये होते हैं छोटे बच्चे, सुभान अल्लाह, इन्हें सिर्फ उस जो सिखाया जाता है वही करते हैं। अगर इसी तरह ये छोटे छोटे बच्चे हुजूर की महफिल में आते रहे ना, कम से कम मैं ये दावा तो कर सकता हूँ कि ये बच्चे बड़े हो के कुछ बने या ना बने वहाबी नहीं बने, और बस वहाबी ना बने। एक शेर पढ़ता हूँ और मैं देखूंगा कि कौन अपनी जगह पर खामोशी के साथ बैठा है। मैं देखूंगा, हिंदुस्तान में वही रहने का हकदार है जो ख्वाजा गरीब नवाज का वफादार है ना, है ना? सुन के बताइएगा शेर आप। उनकी महफिल सजाना और खुल गए, उनकी महफिल सजाना, साजाए खाजाए खाजाए सुल्तान है, हमसे अपने
संभलना लेंगे हमसे अपना भी एक कल संभलना लेंगे उनका भारत चलाना बड़ी बात है हमसे अपना भी एक कल संभलना जोर जोर आप लोग खड़े हैं ना जो बैठे हैं मैं उन्हें एक मौका और देता हूँ ठीक है ठीक है बजाए राजधा की बड़ी शान है 800 साल से ख्वाजा सुल्तान है हमसे अपना भी एक घर संभलता लेंगे हमसे अपना भी एक घर संभलता लेंगे उनका भारत चलाना सबको कहना है उनका भारत चलाना कम से कम इतनी तेज आवाज को निकले के बाद कह रही थी उलमा पे हमने पहुंचे और फिर वहां से मदीने पाक पहुंचे नहीं चाहते चाहते सारे लोग बातों को उठा के बताएं उनका भारत चलाना सलामत रखे बैठे उनका भारत चलाना बड़ी बात है हमसे अपना भी एक घर संभलना लेंगे उनका भारत चलाना बड़ी बात है माहौल के लिए आप बैठ और माहौल क्या बात हाँ उनकी उनका भारत चलाना इधर उधर बन जाए आप लोग इधर आ जाए अच्छा कुर्सी वाले नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत शोहराए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत हजरत आप देख रहे हैं मुल्के हिंदुस्तान के दो ब्रांडेड ओरिजिनल शायर दो ब्रांडेड ओरिजिनल शायर जिन्हें पूरी दुनिया शहनशाहे तरन्नुम बादशाहे तरन्नुम शायरे बाकमाल फनकारे बेमिसाल जनाब मुबारक हुसैन मुबारक गिरिडीह झारखंड के नाम से जानती और पहचानती है वो भी आपके दयारे मोहब्बत में स्टेज पे तशरीफ फरमा है जिनके चेहरे की हम और आप ज़ियारत कर रहे हैं हजरत गुलाम नूर मुजस्सम साहब की वजह से आप बड़ी अच्छे अंदाज में नात समात कर रहे हैं ऐसे ही समात करते रहे इंशाल्लाह रहमान पूरे जलसा आप लोग ऐसे ही सुनते हुए नजर आएंगे एक मर्तबा कहते हैं सुभान अल्लाह उनकी महफिल सजाना आवाज बढ़ा दो आवाज और वो ये कुर्सी वाले नौजवान आगे बैठो आगे बैठो कुर्सी देखो कुर्सी लेके आ रहे मान लो बैठो ऐसे ही नीचे नीचे ये जो ज़ईफ लोग हैं जो बुजुर्ग हैं उनको बैठो भाई कुर्सी पर ठीक है अब तुम नीचे बैठो और मेरे साथ पढ़ो उनकी महफिल सजाना उनकी महफिल सजाना खुल के उनकी महफिल सजाना हमसे अपना भी एक घर संभलता नहीं उनका भारत चलाना बड़ी बात है उनका भारत चलाना बड़ी बात है इश्क़े से का वादी रजा की कोई नहीं माला रजा वाह सुभान जिस जम को देखे वो इलाका रजा का है इश्क सरकार का जो समंदर मिला इश्क सरकार का जो समंदर मिला वो तो शहर बरेली के अंदर मिला शुक्र है दामन मिला शुक्र है आला हजरत का दामन मिला आला हजरत को पाना बड़ी बात है शुक्र है आला हजरत का दामन मिला आला हजरत को पाना सुभान अल्लाह आला हजरत को पाना बड़ी बात है सुभान अल्लाह
उनकी महफिल सजाना बड़ी बात जिसमें अतघर भर पत्थर बीमारे गए फिर भी मेरे नबी मुस्कुराते रहे जिसमें अतघर भर पत्थर बीमारे गए फिर भी मेरे नबी मुस्कुराते रहे जिसमें अतघर भर पत्थर बीमारे गए फिर भी मेरे नबी मुस्कुराते खाना भी आसान होता नहीं जख्म खाना भी आसान होता नहीं जख्म पर मुस्कुराना बड़ी बात है जख्म खाना ये आसान होता नहीं जख्म पर मुस्कुराना। देखिए मैं आपके शेर पढ़ूंगा और अपनी जगह लूंगा लेकिन ये आप ये शेर आपको ऐसे सुनना है कि मुझे बता देना है कि बहुत दूर से आप आए हैं तो हमने सुना भी ठीक है ताजु शैया के लिए चाहने वाले पूरे हिंदुस्तान में जहाँ मैंने शेर पढ़ा है कहीं ऐसा नहीं हुआ है कि शेर शेर हल्का गया हो। सुनिए उनकी महफिल सजाना खुल के उनकी महफिल सजाना पीछे वाले मेरे भाई आपको रेशन कार्ड आपको बोलना है हाथ उठा के बोलना है उनकी महफिल सजाना बड़ी बात है बड़ी बात उनकी महफिल सजाना मुझको बख्शिश का छादरिया मिला सुनिए मुझको बख्शिश का छादरिया मिला मेरी किस्मत के ताजो शरिया मिला मुझको बख्शिश का मेरी किस्मत के ताजो शरिया मिला क्यों ना इतराऊं अख्तर की निस्बत पे मैं क्यों ना इतराऊं अख्तर की निस्बत पे मैं अजहरी कल में आना बड़ी बात है क्यों ना तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत बस्ती बस्ती करिया करिया बस्ती बस्ती करिया करिया इल्म का सूरज फैज का दरिया हम सबकी बख्शिश का जरिया नारे तकबीर नारे रिसालत सजाते हैं अहले जहां की महफिल माशाल्लाह उनकी महफिल सजाना क्यों ना इतराऊं अख्तर की निस्बत पे मैं अजहरी दल में आना बड़ी बात है क्यों ना इतराऊं क्यों ना इतराऊं अख्तर की निस्बत पे मैं अजहरी दल में आना बड़ी बात है रजा 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 रजा।